आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल काला टीका का सेट, जहां केक काटकर सीरियल की शूटिंग के आखिरी दिन को सेलिब्रेट किया गया और दी गई सीरियल को विदाई। आज लास्ट डे है, इमोशनल हूँ ऑफ कोर्स। अजीब सा लग रहा है क्योंकि कल कोई मुझे मैसेज नहीं आएगा कि कल शूट है, कल ये सीन है, कल वो सीन है। आई थिंक आप लोगों ने इतना प्यार दिया कली को, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं कभी कली कैरेक्टर भूलूंगी नहीं। और बट काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जा रहा हूँ कि कितना फास्ट आप काम कर सकते हैं सिचुएशन कैसी भी हो। Obviously it is sad, but I think all good things come to an end. I was here, मैं बहुत कम समय के लिए इनके साथ थी, but बहुत ही अच्छा association था ZTV के साथ and with the production house, and I hope I work with them again. अगला स्टेशन है सीरियल भाभी जी घर पर है का सेट, जहां अंगूरी भाभी के घर खाना खाने पहुंचे हैं विभूति जी और अनीता जी, और विभूति जी ने अंगूरी भाभी के हाथों बने खाने की इस कदर दिल खोल कर तारीफ की कि अनीता भाभी का दिल जलने लगा। तो वहीं दिल जल रहा है सीरियल वो अपना सामे निशा का, जो जाह्नवी से परेशान है, और वो जल रही है क्योंकि जाह्नवी ने बहुत कम समय में पूरे परिवार पर अपना जादू बिखेर दिया है। तो निशा अभी तक अपने गेम प्लान में इतनी इन्वॉल्व थी, उसको लग रहा था मैं जो कर रही हूँ वही अमेजिंग है, और पता नहीं क्या क्या प्लान्स और प्लॉटिंग कर रही थी, और उसी का प्लान था ना जाह्नवी को घर पे लाना, और वो फ्लॉप हो चुका है बिकॉज जाह्नवी हैज टेकन ओवर एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग। अगला स्टेशन है सीरियल मोह मोह के धागे का सेट, जहां सभी कलाकारों और टेक्नीशियंस को आपात स्थिति में आग से बचाव के तरीके सिखाए गए। इमेजिन करते हैं कि पिन उन्होंने पहले खींच लिया, फर्स्ट यू हैव टू एम करेक्टली। अब ये देखिए धुआं हमारी तरफ आ रहा है, सी टू इट दैट यू अवॉइड द स्मोक। हाउ यू कैन डू। अब चलिए सीरियल संतोषी माँ के सेट पर, जहाँ तृष्णा संतोषी के साथ साजिश रचने में व्यस्त है, और अब संतोषी का रूप धरकर उसका नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रही है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल नामकरण का सेट, जहाँ अवनी नम आंखों से कर रही है नील का इंतजार। अगला स्टेशन है सीरियल मेरे अंगने में, जहाँ खुशिया का ड्रामा जारी है। अब वो अपने बेटे के दर्द से परेशान है और उसे लोरी गाकर सुलाने की कोशिश कर रही है, और खुशिया के इस नाटक से गार्ड साहब परेशान है। फटाफट खबरों में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेगी फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।